Welcome to my channel Nursing Anand Fatima and today I come with the topic of hyperemesis gravidum. अब emesis का मतलब होता है vomiting, hyper का मतलब होता है excessive और बहुत ज़्यादा, gravidum का मतलब the mother when she conceived, that is called the gravid mother. अब जब mother ने conceive किया उसके consequences में जब उसको बहुत over excess vomiting होती है उसको हम लोग बोलते हैं hyperemesis gravidum. As presented by Mrs. Anand Fatima, you all know my name. Please like, subscribe and share my channel and please keep suggesting me for the topic. This is my favorite topic. Because when I was pregnant in my first pregnancy, that is the most high risk factor. So I was into the phase of the hyperemesis gravidum. So what causes of vomiting? The first one is the early pregnancy, because of related to pregnancy, continue or reappear of the simple vomiting, acute fulminating preeclampsia associated with pregnancy. मेडिकल सर्जिकल गायनेकोलॉजिकल कॉजेज एज अर्ली प्रेगनेंसी एंड हाइटरथर्मिया, जो कि नॉर्मल कॉज होता है वोमिटिंग का. अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है एसीजी हार्मोन बढ़ता है, जो क्या करता है मैसेज देता है कि अब जो है एंडोमेट्रियम सीजर डाउन नहीं होगी, अब जो है वो एटमॉस्फेयर रेडी करता है इनसाइड द यूट्रस, जो फर्टिलाइज जाइगोट है वो अच्छे से आके उसमें डेवलप हो जाए और फीटस को फॉर्मेशन करे. तो एसीजी हार्मोन के बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेज में, जो इनिशियली बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में. अब वोमिटिंग सिंपल वोमिटिंग और प्रेगनेंसी माइल्ड ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस. अब सिंपली क्या होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है हल्की. हाइपर एमेसिस ग्रेविडम इज अ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग. मॉर्निंग सिकनेस तो एक सिंपल वोमिटिंग है, मॉर्निंग सिकनेस नोजिया वोमिटिंग, और जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है तो वो सीवियर टाइप है वोमिटिंग का. अब मॉर्निंग सिकनेस में क्या है, नोजिया एंड ओकेशनल सिकनेस इन द मॉर्निंग. स्लाइड वोमिटिंग इज कॉमन इन अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द एसीजी हार्मोन. कंसीडर एज सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, वोमिटस स्मेल क्लियर और बाइल स्टेन, डज नॉट इम्पेयर हेल्थ और रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी. तो जो नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं उससे कोई भी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, नॉर्मल वोमिटिंग हो जाएगी और उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा. अब मॉर्निंग सिकनेस कब डिसअपेयर होती है, डिसअपेयर विद 12 टू 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहती है. एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन एग्रीगेटेड बाई साइकोजेनिक फैक्टर. ठीक है, इन तीनों चीज़ों की वजह से होता है वोमिटिंग होती है, क्योंकि जब एक बार में किसी चीज़ से हमारे माइंड में ट्रिगर होती है कोई स्मेल कोई वोमिटिंग, तो हमें नॉर्मली भी वो चीज़ देखे स्मेल होती सब होता. कभी आपने एक खा के वोमिटिंग हुई तो आप फिर काफ़ी बार जब भी एक देखेंगे तो आपको वोमिटिंग फील होगी. तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से, दूसरा हमारा हार्मोनल फैक्टर होता है, तीसरा ये होता है जैसे जैसे 12 से 14 हफ्ता फर्स्ट सेमेस्टर तक हार्मोन जो है वो सबसाइड होगी या रिप्लेस हो जाएंगे तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, फिर बॉडी भी उसको अडॉप्ट कर लेते तो मॉर्निंग सिकनेस जो है वो सबसाइड हो जाती है. अब मैनेजमेंट क्या है मॉर्निंग सिकनेस का, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एश्योर करना है. एश्योरेंस का मतलब कि ठीक हो जाएगा, दिस इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग. ड्राई टोस्ट और बिस्किट, सुबह सुबह खाली पेट वोमिटिंग आती है तो उसको ड्राई टोस्ट और बिस्किट देना है. फैटी और स्पाइसी फूड नहीं देना है, क्योंकि फैटी स्पाइसी फूड जब खा लेते हैं, जब ये रिवर्ट बैक आते हैं तो पूरे इसोफेगस को और सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. प्लेंटी का फ्लूड देना है 2.5 लीटर 24 आवर में, क्योंकि कंटिन्यूस बॉडी से फ्लूड लॉस हो रहा है, उसके अपने कैटॉन्स भी लाइन लॉस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है. फ्रूट जूस दे सकते हैं. द स्मेल ऑफ सर्टेन फूड एग्रीवेट सिम्टम एंड शुड बी अवॉइड. अब जिन चीज़ों से लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. अब क्या मैनेजमेंट है मॉर्निंग सिकनेस का, इफ सिंपल मेजर फेल देन ट्राई टू एंटी इमेटिक. अगर नॉर्मली आप साइकोलॉजिकली या होम स्ट्रेटेजी से या जो भी अपने माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उससे नहीं कर पा रहे हैं तो एंटी इमेटिक दे सकते हैं. मोस्ट कॉमन एंटी इमेटिक फेरिनोम होता है. उसके अलावा विटामिन B6 और विटामिन B6 प्लस डॉक्सिलामाइन भी दे सकते हैं. सेफ एंड इफेक्टिव एंड शुड बी कंसिडर फर्स्ट लाइन फार्माकोथेरेपी. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ने यह दिया था कि ये जो फर्स्ट लाइन मतलब सबसे पहली चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो यही है. देन हम क्या करते हैं एंटी हिस्टामिन D2 एंटागोनिस्ट एक्सेट्रा कैन ऑल्सो भी कंसीडर. अब हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहिए तो मैंने नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बताया जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है. हाइपर इमेसिस जिससे मैंने बोला वोमिटिंग का एक्सेस जो कि प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है. इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ बॉट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पेशेंट और पेशेंट एंड और इनकैपेसिटीज
हर डे टू डू एक्टिविटी, तो नॉर्मल वोमिटिंग जब हो रही थी तो हमारी इसमें डे टू डू एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, पर इसमें क्या होता है इस लेवल तक वोमिटिंग हो रही है जो हमारी हेल्थ पे डिलीटरियस इफेक्ट भी डाल रही है और हमारी डे टू एक्टिविटी भी डिस्टर्ब कर रही है। डिफाइन वेरिएबल वाई वोमिटिंग सफिशेंटली सीवियर टू प्रोड्यूस, तो वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस फ्रॉम स्टारवेशन, एल्केलोसिस फ्रॉम द लॉस ऑफ हाइड्रोकोलरिक एसिड इन वोमिटिंग, हाइपोकैलेमिया। इट इज द वोमिटिंग विच इज सीवियर इनफ टू हॉस्पिटलाइज ऑफ द लेडी, और ये वोमिटिंग इतनी काफ़ी है कि वो लेडी जो है जिसको हाइपरमेसिस है वो हॉस्पिटलाइज हो सकती है। अब क्या क्या फैक्टर है, हमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो लगता है कि ये रिस्क पे है हाइपरमेसिस। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी मोर कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसलिए कॉमन है क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत तेज़ी से हार्मोन बढ़ते हैं, हमारी बॉडी या तो एडजस्ट करेगी एडजस्ट नहीं करेगी और रिस्पॉन्स करेगी, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में हार्मोन उतनी तेज़ी से नहीं एडजस्ट करते, फिर हमारी बॉडी वेट ऑप्टेबल हो जाती है तो उतने चांसेस कम होते हैं। फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कन्फर्म भी करता है कि हार्मोन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर रही है कि नहीं कर रही है। टेंडेंसी टू अकर अगेन इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो अगर किसी को एक बार है तो दोबारा होने के चांस होंगे लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री, मदर एंड सिस्टर आल्सो सफर फ्रॉम द सेम मैनिफेस्टेशन, ये है अगर फैमिली में माँ को है सिस्टर्स को तो ज़रूर होगा, तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन माई फैमिली। मोर प्रिविलेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इट इज़ द ऑब्वियसली द कंडीशन रिलेटेड टू द लाइक हार्मोन नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल डेवलपमेंट, तो जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होगा। कॉमन इन अनप्लान प्रेगनेंसी, अगर आपने कभी अनप्लान प्रेगनेंसी की है क्योंकि इसमें था साइकोलॉजिकल फैक्टर भी, तो भी आपको हाइपरमेसिस रेविडम हो सकता है। थ्योरी बिहाइंड हाइपरमेसिस रेविडम, दो थ्योरी, एक हार्मोनल थ्योरी है और दूसरी जो है वो हमारी साइकोजेनिक सोचेस थ्योरी है। तो हार्मोन क्या, हमारी बॉडी में सब कुछ हार्मोन से रेगुलेट होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक्स सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन बढ़ेंगे तो क्या फीलिंग होगी, हार्मोन डाउन होंगे तो क्या फीलिंग होगी, हार्मोन बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द हार्मोन साइकोजेनिक, हम जैसे सोचते हैं। तो हाई एसटीजी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो हाई एस्ट्रोजन लेवल, हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल, मैं बार बार बता दूँ कि हार्मोन के एक्स्ट्रा इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर हार्मोन इन्वॉल्व थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन, एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं हार्मोनल फैक्टर। साइकोजेनिक में डायट्री डिफिशियंसी, लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी वन देते हैं, एलर्जी और इम्यूनोलॉजिक। अब एलर्जी इम्यूनोलॉजिक क्या है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स करता है उसके अगेंस्ट। जैसे नॉर्मल भी किसी को अगर किसी चीज़ से वोमिटिंग का सेंसेशन है तो अब उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। लीवर थ्योरी, लीवर कांट बी एडॉप्ट दैट बिहेवियर। देन उसके हमें एच पाइलोरी जो कि उसमें पेप्टिक अल्सर में होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर के लिए, जिससे कि वॉमिटिंग होती है, तो इस वजह से भी हो सकता है। पैथोलॉजी क्या है, इसकी पैथोलॉजी है लीवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन विदाउट द नेक्रोसिस, किडनी में ओकेशनली शो फैटी डिजनरेशन, ब्रेन में स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट इन हाइपोथैलेमस मे बी ड्यू टू विटामिन बी वन डिफिशियंसी, ब्लड माइलिकोसाइटोसिस एंड हीमो कंसंट्रेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। पैथोलॉजी में मेटाबॉलिक ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ फूड लीड टू डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, एक्सक्रीटेड थ्रू द ब्रीथ यूरिन लीड टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन। बायोकेमिकल चेंजेस में अकर्स ड्यू टू वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, रेस ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड एंड कीटोन्स बॉडीज, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोवाइटोमिनियस एंड हाइपरग्लोबिया। सो दिस इज ओबीजे टॉपिक ऑफ द फोर्थ, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टाइम। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब दिस देयर इज अ ग्लूकोज लेस डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, हाइपरप्रोटीनिया देयर इज अ डिक्रीज प्रोटीन लेवल इन द बॉडी, हाइपरविटामिन डिक्रीज विटामिन लेवल, हाइपरग्लोबिलिया मतलब इंक्रीज ग्लोबुलिन लेवल। तो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड एक्सप्लेनेशन प्लीज गिव मी द कमेंट्स। नाउ द क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में क्या है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में ड्राई कोटेड टंग हो जाती है, संकेनाइज,
बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन ओलिगुरिया, क्योंकि जो भी फ्लूड है वो बॉडी से वोमिटिंग के थ्रू जा रहा है तो ओलिगुरिया हो जाएगा। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो स्किन जो है वो लूज हो जाती है, क्योंकि जब पानी रहता है डिहाइड्रेट तो स्किन जो है वो शाइनी रहती है, लेकिन जब वो रहता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है वो इंटर सेलुलर में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन लूज हो जाती है और ड्राई हो जाती है। वेट लॉस लेस देन 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, अब वेट लॉस होता है क्योंकि वेट लॉस केजीज में होता है, पर जिसकी बॉडी का पहले जितना वेट है अकॉर्डिंग टू उसमें 5% कम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसमेंट लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, स्टारवेशन रिलेटेड टू कीटो एसिडिटी दैट कैन लीड टू द एसीटोन इसमें इन द ब्रेन एंड राइज इन द टेम्परेचर बिकॉज इट व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड विद आवर बॉडी इज एक्सर्टेड एंड बॉडी इज सफेद। तो आई गो थ्रू विद ऑल सिम्टम्स, तो फॉर मी इज नॉट नीड टू बी लाइक माई स्किन वॉज ब्लूड, आई लूज 4 kg वेट विद इन द वीक, स्टारवेशन सो मेनी थिंग, राइज इन द टेम्परेचर, हैविंग द फीवर बिकॉज ऑफ दिस हाइपरेमेसिस ग्रेविटा। कॉम्प्लिकेशन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है और कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब जो न्यूरोलॉजिकल है उसमें वीकनेस होगी, इंसेफेलोपैथी ड्यू टू द थायमिन डिफिशियंसी, पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, कॉर्सकॉफ साइकोसिस, ऑप्थेल्मिक रेटिनल हेमरेज कन्वर्जन और कोमा, ये सारे जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिससे नॉट द सिम्टम ट्रीट नहीं होंगे, परसिस करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदर्स में स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, इसोफेजियल टीयर हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने से एसिड बार बार जो रिवर्ट बैक हो रहा है। जॉइंटिस ड्यू टू लीवर डैमेज, रीनल फेलियर हो जाएगा, वाइटामिन के डेफिशिएंसी हो जाएगी और ब्लीडिंग हो सकती है। मैनिफेस्टेशन इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमो कंसंट्रेशन लीड टू द राइज HbRBC काउंट एंड हीमोक्रिट साइट इंक्रीज इन WBC, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम डिक्रीज ड्यू टू लॉस इन द वोमिटस ऑलरेडी टोल्ड, रैंडम ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया रैंडमली, देन यूरिन एनालिसिस क्वांटिटी में टू सी फॉर द ओलिगुरिया, अगर लेते हैं 300 m/m² तो ओलिगुरिया हो सकता है। कलर देखेंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एसिड विद एसिड रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओकेशनल प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन मोबाइल पिगमेंट एंड डिमिनिश और इवन एबसेंस ऑफ क्लोराइड, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशन में। देन लीवर LFT करेंगे, एल्बोडिन प्रोथोम्बिन और ALT, AST, ALP ग्लूरिन लेवल देखेंगे, रीनल RFT करेंगे, यूरिया और प्रोटीन लेवल देखने के लिए जो कि बॉडी की फ्लूइड इंबैलेंस से डिस्टर्ब होता है, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, रीनल हेमरेज देखेंगे और डिटेचमेंट ऑफ रेटिना। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं, ECG, ठीक है, एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कैन कॉज एरिथमिया, अल्ट्रासाउंड कन्फर्म प्रेगनेंसी, एक्सक्लूड मोलर और ट्विन प्रेगनेंसी, एक्सक्लूड अदर गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल मेडिकल कॉज फॉर द हाइपरेमेसिस। नाउ द मैनेजमेंट इज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज टू करेक्ट वोमिटिंग, टू करेक्ट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, टू करेक्ट मेटाबोलिक डिस्टर्बेंसेज, टू प्रिवेंट द सीवियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीवियर वोमिटिंग। लाइन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया, फिर फ्लूड दिया, फ्लूड रिप्लेसमेंट किया, ड्रग दिया, नर्सिंग केयर दी और प्रॉपर डाइट बनाई जिससे कि वोमिटिंग को मैनेज किया जाए। हॉस्पिटलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, विन जनरल मेजर लाइक डाइटरी एडवाइस, रिस्क एंड एंटीएमिटिक, फेल टू कंट्रोल द वोमिटिंग, विन देयर इज अ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक सनकेन आईबॉल, टैकीकार्डिया, ड्राई फॉर टंग, लॉस ऑफ स्किन टर्गर एंड ओलिगोरिया, वेर देर इज ए प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, रोथर्स टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स होंगे तो हम रोथर्स टेस्ट जो है करेंगे, अगर पॉजिटिव आया है तो टेस्ट करेंगे। एडमिट द पेशेंट, ओपन IV लाइन, कलेक्ट फ्लूड, सेंड द रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, मेंटेन इन टेक एंड आउटपुट चार्ट, जो सारे आई उसमें मेंटेन करते हैं जो भी फ्लूड लॉस के केसेस होते हैं, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, कैथेटराइजेशन ऑफ पेशेंट, मॉनिटर द वाइटल, टेस्ट ऑफ द यूरिन प्रोटेक्टिव फॉर कीटोन बॉडीज। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूड का मैनेजमेंट करेंगे, फ्लूड का मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ओरल फीडिंग इज विद हेल्प फॉर एटलीस्ट 24 hours आफ्टर द सीजेशन ऑफ वोमिटिंग, रीडिंग स्पीड है फ्लूड गिवन थ्रू द IV ड्रिप मेथड, द अमाउंट ऑफ फ्लूड टू बी इन्फ्यूज इन 24 hours इज कैलकुलेटेड एज टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूड अप्रॉक्स 3 liters, इन विच हाफ इज 5% इज डेक्सट्रोज एंड हाफ इज RL।
डिस्ट्रोज जब भी देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट शुड बी नॉट बी डायबिटिक, और जिसने डायबिटिक से इनिशियली नहीं पता चलेगा बट दैट शुड नॉट बी डायबिटिक। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 5% डेक्सट्रोज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वोमिटस एंड यूरिन 24 आवर्स टू बी एडेड। अब इसमें डेक्सट्रोज इसलिए दे रहे हैं कि जो बाकी जो NS है या RL है तो दैट इज़ द नॉर्मल, ठीक है। अब डेक्सट्रोज देंगे तो उसमें एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो कोशिश करेंगे ये दे। पर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायबिटिक पेशेंट दिस मेजर हेल्प टू करेक्ट डिहाइड्रेशन इम्बेलेंस एंड कीटो एसिडोसिस। अब ड्रग्स में क्या करेंगे, एंटीएमेटिक्स देंगे जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं विटामिन बी6 एंड डॉक्सिलामाइन, प्रोथिमाजाइन, साइक्लोरिपेजामाइन, क्लोरोप्रामाजाइन, ट्रोपोप्रोल। ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे ड्रग जो एंटी हिस्टामिन है इनसे देने से जो है वो बॉडी रेस्ट करेगी तो वोमिटिंग का सेंसेशन नहीं होगा। एंटागोनिस्ट देंगे गिविन पेरेंटली, सारे जितने भी हैं सब पेरेंटली देंगे। तो ये सारे ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं, ये सारा चेकलिस्ट है सारे ड्रग का। विटामिन सप्लीमेंट लाइक विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन सी एंड विटामिन बी12 मे बी गिवन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इन केस ऑफ हाइपोटेंशन और इंट्रैक्टेबल हार्ट टू ये वोमिटिंग। ओरल प्रिडनिसोलोन इज ऑल्सो यूजफुल इन सीवियर केसेस। अब क्या क्या नर्सिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग केयर। सबसे पहले तो सिंपैथेटिक, क्योंकि ये पॉजिटिव है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए है, और मदर शीज ऑल्सो द डेवलपिंग द फीटस इंटरवेंशन करने के दौरान उसको सिर्फ हम क्या करेंगे सिंपैथेटिकली बट फॉर्मली हैंडल द पेशेंट। डेली मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, उसका आईओ चार्ट है, वोमिटिंग है, किन किन वजहों से आ रहा है, क्या क्या फैक्टर रिड्यूस कर सकते हैं। लुक फॉर द साइन ऑन इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट, सब्सिडेंस ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग हंगरी, बेटर लुक, डिसअपीयरेंस ऑफ एसीटोन फ्रॉम ब्रीथ एंड यूरिन, नॉर्मल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, नॉर्मल यूरिन आउटपुट। अब क्या होता है कि एसीटोन कैसे पता चलेगा, जब उस बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वे वाइल टॉकिंग टू द पर्सन देयर इज स्मेल इन फ्रॉम द माउथ ऑफ द एसीटोन स्मेल। तो इन सब चीज़ें, इन सारे सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब मेन है क्योंकि वोमिटिंग इज रिलेटेड टू द ईटिंग एंड ऑल, तो डाइट का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये है जिंजर का रोल है, ठीक है। डाइट बिफोर आईवी फ्लूइड वोमिटेड फूड इज गिवन ओरली, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट ड्राई मील विदाउट फैट, क्योंकि जब हम एक बार बहुत सारा खाना दे देंगे तो चांस रहेगा कि एकदम से वोमिटिंग, थोड़ा थोड़ा देंगे ताकि उसको वोमिटिंग का टॉलरेंस हो जाए। बिस्किट, ब्रेड एंड टोस्ट ये दे सकते ताकि वोमिटिंग थोड़ी कम फील हो जाए। जिंजर इज हेल्पफुल सुबह सुबह अगर करते हैं, एंड ग्रेजुअली फुल डाइट इज रिस्टोर्ड। तो वैसे तो मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी कर लो वो आपको इतने सिम्टम के गो थ्रू हो नहीं पाता, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोसीड होती है हार्मोन थोड़े सबसाइड होते हैं, सीजी हार्मोन, आपके सिम्टम्स भी ये वाले सबसाइड हो जाते हैं, फिर आपका थोड़ा सर्वाइवल हो जाता है। तो ये बहुत लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर नॉर्मल लेडीज की, तो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है और किस लेवल तक होती है, और आप उससे क्यों कोप अप नहीं कर पाते हो, उसे टाइम टेबल से कोप अप करते। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कोई भी डाउट हो। एंड थैंक यू सो मच।